मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब। आई एम योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम डीएम हरियाणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यस स्टैंडर्ड थर्ड। टुडे वी रीस्टार्ट योर इंग्लिश वर्क, यस। नाउ वी स्टार्ट आवर चैप्टर सेवेंथ, यस। आवर 1 to 6 चैप्टर आर कंप्लीट। इफ सम स्टूडेंट नॉट कंप्लीट दिस चैप्टर, जिन स्टूडेंट्स ने ये चैप्टर अपने कंप्लीट नहीं किए हैं, यू मे गो टू द यूट्यूब चैनल। आप स्कूल से लिंक लेकर अपना यूट्यूब चैनल ओपन करके अपनी वो एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं, चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं। आवर 1 to 6 चैप्टर, 1 से लेकर 6 तक। ओके, नाउ वी स्टार्ट आवर 7 चैप्टर, जिसका नेम है नाउन्स कॉमन एंड प्रॉपर। पहले हमने नाउन किया है, व्हाट इज नाउन, नाउन क्या है। अब हम नाउन्स के टाइप करेंगे, नाउन के भेद करेंगे, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन में होता है कि जिसमें हम किसी जाति के बारे में पता कर रहे हैं, जैसे प्रॉपर में तो प्रॉपर किसी का एग्जैक्टली नेम आ जाता है, किसी बॉय का, गर्ल का, सिटी का, रिवर का, न्यूज़पेपर का। ओके, तो वो है प्रॉपर। और जहाँ पर किसी का नेम ना आकर बॉय आ जाए, गर्ल आ जाए, टीचर आ जाए, जैसे एज आई एम योर इंग्लिश टीचर मैं कहती हूँ ना, हाँ, लेकिन नेम नहीं डाला मैंने ज्योति, तो ये टीचर क्या हुआ आपका, कॉमन नाउन, और ज्योति क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। ओके, और अगर मैं आपका एग्जाम्पल दूँ, आप सभी क्या हैं, स्टूडेंट, तो वो क्या है आप, कॉमन नाउन। अगर मैं स्टूडेंट का नेम डाल दूं, मिस्टर जतिन, मिस काव्या, मिस पूजा, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन। अब हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। द नेम वी गिवन इन जनरल टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड इज अ कॉमन नाउन। जैसे कि एनिमल्स दे दिया जाए और एनिमल का नेम ना दिया जाए, डॉग दे दिया जाए, डॉग का नेम ना दिया जाए, प्लेस का नेम दिया जाए, एक्चुअली नाम ना दिया जाए। ओके, अब एग्जांपल देखो, बॉय, डॉग, सिटी, पेंसिल, तो ये क्या है, कॉमन नाउन। ओके, द नेम वी गिव टू अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज अ प्रॉपर नाउन। जहाँ पे किसी व्यक्ति का, पशु का, पक्षी का, स्थान का, वस्तु का प्रॉपर नाम दे दिया जाता है, एग्जैक्टली नेम दिया जाता है, वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन। ये इन दोनों नाउन की परिभाषा है, एक्सप्लेनेशन है और डिफरेंस है, पहचान है। जिसमें नेम ना आकर ग्रुप दे दिया जाए तो वो है कॉमन। ओके, और जिसमें पर्टिकुलर नेम दिया जाए, एग्जैक्टली किसी चीज़ का नाम, तो वो है प्रॉपर नाम। ओके, अब नेक्स्ट इसी बेसिस पे एक्सरसाइज दी हुई आपको। राइट सी बिसाइड कॉमन नाउन एंड पी बिसाइड प्रॉपर नाउन। ओके, अब बॉय क्या है, सी लगाएंगे, गोवा क्या है, पी, राहुल प्रॉपर नाउन, पेंसिल सी, बीच, देखो ये बेटा आप इसको फिल करेंगे सभी को बॉक्सेस को, जहाँ पे कॉमन है वहाँ पे सी लगाएंगे। ओके, और जहाँ पे नेम दिया हुआ है वहाँ पे क्या लगाओगे, प्रॉपर नाउन का पी। मैं ये एक्सरसाइज फिल के आपको पिक शेयर कर दूंगी। जैसे अब देखो, रीचा, गर्ल नहीं दिया हुआ, रीचा क्या आएगा, प्रॉपर नाउन। माउंटेन, माउंटेन का नाम नहीं दिया हुआ ना, सी। ब्रूनो, डॉग का नेम दिया हुआ है, पी। ओके, बीच, बीच का नेम नहीं दिया हुआ ना, तो सी। पेंसिल, पेंसिल का नेम नहीं, तो कंपनी नहीं दी हुई, जैसे नटराज की पेंसिल, अप्सरा की पेंसिल आप लेते हो ना। ओके, तो ये क्या आएगा यहाँ पे, सी, नेम नहीं दिया हुआ ना। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है यहाँ पे आपकी, कंप्लीट द टेबल विद वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। ये आपको बॉक्स दिया हुआ है, आप में आप वर्ड चुनेंगे, वर्ड चूज करेंगे कि कॉमन नाउन का कौन सा वर्ड है और प्रॉपर नाउन का कौन सा वर्ड है। कॉमन नाउन देखो, बॉय इज अ कॉमन, बॉक्स इज अ कॉमन, कैस्टल, गर्ल, पेंसिल, स्कूल, एलिफेंट, ये क्या है, कॉमन। और जहाँ पे नाम दिया हुआ है, बुद्धा, ताजमहल, सनी, टॉमी, दिल्ली, हिदी एंड इंडिया, दिस इज अ प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन होते हैं जुड़े हुए, जिसमें दो वर्ड जुड़े हुए होते हैं, संपर्क होता है, संपूरक होते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना, सम वर्ड, सम नाउन्स आर मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड्स एंड आर कॉल्ड नाउन। जो एक से ज़्यादा शब्दों के बने हुए होते हैं वो होते हैं कंपाउंड नाउन। ओके, जैसे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, वन वर्ड के हैं, स्ट्रीट लाइट, कॉर्नफ्लेक्स, ये कुछ एग्जांपल मैंने भी राइट कर, जैसे ग्राउंडनट्स, हार्ट बीट, हैंड वॉश, है ना, दो वर्ड्स। और सेपरेट वर्ड, कुछ वर्ड होते हैं जिसमें दो सेपरेट वर्ड इकट्ठे होते हैं, जैसे वॉशिंग पाउडर, बेबी टूथ, बेबी रब, होता है ना, कई वर्ड आते हैं, बेबी सोप, बेबी शैम्पू, कुछ भी ले सकते हो आप, दो दो वर्ड। कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें हाइफन आता है, मतलब अंडरलाइन आती है, बीच में एक स्लिपिंग लाइन आती है, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, प्ले ग्राउंड, सिस्टर इन लॉ,
ये कुछ वर्ड्स हैं, आपको पहचान होनी चाहिए, रिकॉग्निशन होनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट पेज, पार्ट सी, वर्ड प्ले फ्रॉम कंपाउंड नाउन्स बाय जॉइनिंग नाउन इन कॉलम वन विद नाउन इन कॉलम टू. फर्स्ट कॉलम में एयर दिया हुआ है, एयर के साथ कौन सा वर्ड आता है? एयर, एयर कंडीशनर. ओके, नेक्स्ट है आपका स्टडी, स्टडी के साथ क्या आएगा? स्टडी टेबल. क्लॉथ्स, क्लॉथ्स लाइन. थंडर होता है तूफान, स्ट्रॉम. ओके, स्कूल, स्कूल के साथ क्या आएगा आपका? फिफ्थ नंबर पे बस. ओके, वॉशिंग, सिक्स नंबर पे है वॉशिंग, वॉशिंग मशीन. सी, सी है सेवन नंबर पे, सी साइड. उसके बाद है रिवर, रिवर का क्या होगा? रिवर बैंक. स्विमिंग, स्विमिंग पूल. टूथ, टूथ का क्या आएगा? टूथ ब्रश. ये कंपाउंड वर्ड है, जोड़ने आपको वर्ड, जो दो वर्ड्स इकट्ठे आते हैं. ओके, ये स्टैंडर्ड थर्ड, टुडे आवर सेवन चैप्टर इज कंप्लीट नाउ. ओके, गुड मॉर्निंग वंस अगेन टू ऑल, टेक केयर स्टूडेंट्स.